दोस्तों हर एक धर्म में बताया गया है कि आत्मा अमर होती है, मरने के बाद वो पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर अपना लेती है, इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर आप शास्त्रों से ज़्यादा विज्ञान को मानने वाले इंसान हो तो शायद आप पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म को विज्ञान कभी भी सहमति नहीं देता। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो आपकी पुनर्जन्म पे न विश्वास करने की सोच बदल देगा तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, आज दोस्तों हम उन 5 बच्चों के बारे में जानेंगे जो आज भी अपने पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, टीटू सिंह। बाड़ नामक गांव में जन्मे टीटू सिंह, इस लड़के की बातें सुने तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। टीटू का कहना है कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या की थी। उसका कहना था कि आगरा में एक विधवा अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, वहीं उसकी बीवी है। उसकी टीवी की एक दुकान भी आगरा में मौजूद है। इन सब चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए टीटू के पिता ने जब टीटू के बड़े भाई को आगरा भेजा तो उसको वो दुकान मिल गई जिसका नाम था सुरेश टीवी शॉप, जिसे एक विधवा औरत चला रही थी। उस विधवा का नाम था उमा। टीटू की बातें सुनकर उसकी पिछली जन्म की बीवी भी हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया था कि ये उसका ही पति है। पुलिस की रिपोर्ट को सही माने तो सुरेश के सर के दाहिनी तरफ गोली मारी गई थी। टीटू के सर में भी दाहिनी तरफ जन्म से ही एक निशान था, जिससे यही साबित हुआ कि सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 4, ल्यूक रुहेलमैन। ल्यूक एक 2 साल का छोटा लड़का था। वो बस एक ही लड़की के बारे में बात करता था जिसका नाम था पैम। पहले पहले उसकी फैमिली को लगा कि ल्यूक की ये कोई कल्पना होगी, पर बाद में उसने कहा कि पैम मेरा ही नाम हुआ करता था। ल्यूक की माँ ने पूछा, तुम्हारा नाम हुआ करता था मतलब? उसने कहा कि मैं पहले एक लड़की हुआ करती थी, मेरे मौत के बाद भगवान के पास चली गई, भगवान के पास जाने के बाद उन्होंने फिर से धरती पर भेजा और आपकी कोख में मैंने जन्म लिया। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। माँ ने पूछा कि फिर तुम्हारी मौत कैसे हुई? उसने कहा कि शिकागो की एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उस आग से बचने के लिए मैं बिल्डिंग से कूद गई, जिसमें मेरी मौत हो गई। ल्यूक की माँ ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि 1993 में शिकागो के पेस्टन होटल में आग लगने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक 30 साल की लड़की भी थी जिसका नाम था पैम रॉबिन्सन। पैम रॉबिन्सन की तस्वीर और भी बहुत सारे तस्वीरों में मिक्स करके ल्यूक को दिखाई गई तो ल्यूक ने पैम की सही तस्वीर पहचान ली। इसके बाद से यही साबित हुआ कि पैम का पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 3, बार्ब्रो कार्लेन। बार्ब्रो एक ऐसी स्वीडिश लड़की थी जिसका कहना था कि वो पिछले जन्म में एनी फ्रैंक नामक लड़की रह चुकी है। एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय नाजियों से बचने के लिए एक घर में बिताया था। एनी ने अपने इस अनुभव को एक डायरी में भी लिखा था, जो डायरी पब्लिश की गई थी, पर यह डायरी अभी तक स्वीडिश भाषा में ट्रांसलेट नहीं हुई थी, इसीलिए इस डायरी की बातें बार्ब्रो को पता होना असंभव था। उम्र के 10वें साल बार्ब्रो की बातों की जांच पड़ताल करने के लिए उसे आम्स्टर्डम नेदरलैंड में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही बार्ब्रो ने उस रूम का पता सही सही बताया जहां उसने अपनी जिंदगी का ज्यादा समय नाजियों से बचने के लिए बिताया था। इसके बाद ही बार्ब्रो के माता पिता को विश्वास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 2, रेयान। रेयान जब 4 साल का हुआ करता था तो उसे ऐसा लगने लगा कि वो जो जिंदगी जी रहा है ये उसकी जिंदगी है ही नहीं, वो कोई और ही है। रेयान को रात में डरावने सपने आते थे। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसका कहना था कि वो पिछले जन्म में हॉलीवुड में एक एजेंट था जहाँ उसकी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से पहचान थी तथा वो रॉक स्ट्रीट में रहा करता था। उसकी ये बातें सुनकर एक दिन उसकी माँ ने उसे हॉलीवुड से संबंधित लाइब्रेरी में ले गई, जहां रेयान ने एक बुक में एक व्यक्ति की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैं हूँ। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस इंसान का नाम मार्टी मार्टिन है, जो किसी समय हॉलीवुड की एक कंपनी के लिए नए नए क्लाइंट्स को मिलाया करता था और बाद में जिसकी 1964 में मौत हो गई, जिससे ये बात सामने आई कि रेयान ही मार्टी मार्टिन है। नंबर 1, केंद्रा कार्टर। 4 साल की केंद्रा को स्विमिंग सीखने का क्लास लगाया गया था। जल्द ही केंद्रा उसकी लेडी स्विमिंग कोच से भावनात्मक तरीके से जुड़ गई। केंद्रा गिंगर नामक अपने कोच के साथ जब जब होती तो बेहद खुश होती। केंद्रा की माँ भी वहीं से स्विमिंग के तरीके सीखती थी। केंद्रा ने उसकी माँ को बताया कि कैसे केंद्रा को उस लेडी कोच के पेट से अबॉर्शन करके निकाला गया था। केंद्रा का कहना था कि वो गिंगर की ही बेटी है। केंद्रा के बार बार ऐसा कहने के बाद केंद्रा की माँ ने जब सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि गिंगर ने 9 साल पहले तबीयत सही न होने की वजह से अबॉर्शन कराया था। इससे केंद्रा की माँ को पता चला कि केंद्रा उस स्विमिंग कोच की ही लड़की है। जब वो लेडी कोच उन सब से दूर चली गई तो 4 महीने तक केंद्रा ने किसी से ठीक से बात नहीं की और ना ही ठीक से खाना खाया।
दोस्तों इस तरह पुनर्जन्म के 100 से भी ज्यादा घटनाएं आपको इंटरनेट पे देखने को मिल सकती हैं। आप दोस्तों पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।